दोस्तों आप भी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा काफी धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसको देखकर तो पूरे भारत देश के साथ साथ पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी भी उनके दीवाने हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको उनके इस बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में से कौन बेहतरीन टीम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नॉटिंगम के मैदान पर 4 अगस्त से शुरू हुआ था। बता दें पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 183 रन बनाए थे, जबकि जवाब में भारतीय टीम बल्लेबाजी पर उतरी तो टीम की शुरुआत तो बेहद ही शानदार रही थी। पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 97 रनों की साझेदारी की, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम का मध्य क्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा और सिर्फ 112 रन के स्कोर पर ही 4 विकेट खो दिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ऋषभ पंत ने बड़ी विस्फोटक पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 25 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन की ओर रवाना हो गए। दोस्तों बता दें जब एक छोर से भारतीय टीम के बल्लेबाज एक एक करके आउट होकर पवेलियन की ओर रवाना हो रहे थे, वहीं दूसरी छोर से केएल राहुल ने भारतीय पारी को अपने कंधों पर संभाल रखा था और उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 84 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं इसके बाद भारतीय टीम के जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में भी भारतीय टीम को अपने विस्फोटक अर्धशतकीय पारी से इंग्लिश गेंदबाजों को नेस्तानाबूद कर दिया। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अंत में भारतीय टीम के निचले क्रम में एक ऐसा कारनामा करा जिसको देखकर तो मैदान पर मौजूद सभी दर्शकों के साथ साथ पूरा भारत देश हैरान हो गया। दोस्तों बता दें भारतीय टीम में निचले क्रम के बल्लेबाज यानी कि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने बड़े धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक के बाद एक शानदार चौके और छक्के लगाए। भारतीय टीम की ऐसी जबरदस्त बल्लेबाजी को देखकर पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान की टीम के दिग्गज खिलाड़ियों ने बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रियाएं दी। दोस्तों बता दें पाकिस्तानी टीम के पूर्व जबरदस्त गेंदबाज वसीम अकरम ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों के तूफान को देखकर अपने बयान में कहा कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी उम्मीद तो किसी ने सपने में भी नहीं की होगी, क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम के मध्य क्रम यानी कि विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी। लेकिन इन तीनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय प्रशंसकों को काफी ज्यादा निराश किया। लेकिन इस मुकाबले में ऊपरी क्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया उसको देखकर तो पूरी दुनिया ही उनकी मुरीद हो गई। जहां केएल राहुल ने समझदारी और सूझबूझ से बड़ी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, वहीं भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जो हमेशा ही अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम को संकट से बचाते हुए आए हैं, उन्होंने इस मुकाबले में भी अपना दमखम दिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि भारतीय टीम का निचला क्रम जो कि कभी भी भारत की पारी में कुछ खासा मददगार नहीं साबित होता था, उसने तो इस मुकाबले में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबके होश उड़ा दिए। उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ये सभी खिलाड़ी कुछ ऐसे ही प्रदर्शन करते रहें। दोस्तों विश्व के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय टीम की इस तूफानी पारी को देखते हुए कहा कि भारतीय टीम खुद को खुश नसीब समझना चाहिए क्योंकि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी उनकी टीम में मौजूद है जो कि हर एक स्थान पर बल्लेबाजी करके बड़ा ही शानदार प्रदर्शन करता है, और रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी जिसका कद मैच हर दर मैच ही बढ़ जाता है वो कभी भी भारतीय टीम को निराश नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी के खेल पर शक करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन उन्हें इस मुकाबले में अगर किसी ने सबसे ज्यादा खुश किया है तो वो है भारतीय टीम के निचले क्रम जिसने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अंग्रेजी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। अगर ऐसे गेंदबाज जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं पाकिस्तान में भी होते तो आज न जाने पाकिस्तानी टीम कितनी ऊंचाइयों पर होती। दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गजों के इस बयान को देखने के बाद आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के खिलाड़ी पहले टेस्ट मुकाबले में जीतने में कामयाब होंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।